हे hey, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारे Redmi Note 6 Pro के टेम्पर्ड ग्लास के लिए 6 Pro के लिए टेम्पर्ड ग्लास की अनबॉक्सिंग और रिव्यू। और मैं आपको बताऊंगा कि आप कहां से बेस्ट वाला ले सकते हो। तो मैंने यार यहां पे Flipkart से मंगवाया है, सेम चीज का लिंक मैं आपको Amazon से भी दे दूंगा, आपको जहां से पसंद आए आप वहां से मंगवा सकते हो। दोनों सेम प्रोडक्ट का लिंक आपको Amazon और Flipkart का मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने फुल स्क्रीन और साथ ही साथ आपको जो आता है दूसरा वाला क्लियर वाला, दोनों यहाँ पे ऑर्डर करे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो इसको जल्दी से मैं हटा लेता हूँ, अनरैप कर लेता हूँ यहाँ पे, उसके बाद आपको दिखाता हूँ किस तरीके का आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। वेक, तो यहाँ पे आ गया है कवर बाहर, स्क्रीन प्रोटेक्टर फुल स्क्रीन वाला और साथ ही साथ क्लियर वाला। काफी अच्छी पैकेजिंग है, बहुत सारी पैकेजिंग। तो पैकेजिंग साइड में करते हैं और यहाँ पे निकालता हूँ मैं अपने कवर को। तो यहाँ पे देख सकते हैं मोदिक ब्रांड का है, यहाँ पे मोबाइल एसेसरीज और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके वहां पे बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक अंदर भी इसमें मिलता है, तो इसको यहाँ पे साइड में रखते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले आपको वाइप्स मिल जाती है जो आप यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले आपको मिल जाएगा ये फुल स्क्रीन टेम्पर्ड, आप देख सकते हैं हमारे Redmi Note 6 Pro के लिए। और उसके बाद एक ही आपको मिल जाता है यहाँ पे क्लियर टेम्पर्ड Redmi Note 6 Pro के लिए ये भी। तो यहाँ पे क्लियर टेम्पर्ड मैं नहीं लगा के दिखाऊंगा, मैं आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन वाला लगा के दिखाऊंगा, क्योंकि यार बहुत सारे लोगों की फुल स्क्रीन की ही डिमांड रहती है, क्लियर वाला लोग नहीं देखना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं क्लियर वाला मैं आपको ऐसे ही ऊपर दिखा देता हूँ। तो ये क्लियर वाला कुछ इस तरह से रहता है, फुल स्क्रीन पे नहीं आता है, एजेस आपके हटे हुए रहेंगे और इस तरीके से आपका यहाँ पे लग जाएगा। तो अगर आपको पसंद है तो आप फुल स्क्रीन वाला भी चेकआउट कर सकते हो, अगर आपके हिसाब से जो जो आपको पसंद आए। लोगों को कुछ फुल स्क्रीन का पसंद रहता है, कुछ को क्लियर वाला पसंद रहता है। तो मैंने इसके लिए अलग से वीडियो नहीं बनाई, इसीलिए मैंने कहा यार सिंपली इसी में आपको शो कर देता हूं। तो यहीं पे आप ये क्लियर वाला देख सकते हो, काफी अच्छी टाइप का है यहाँ पे और काफी अच्छा यहाँ पे क्वालिटी में आपको देखने को मिल जाता है। तो इसको यहाँ पे रख देता हूं मैं साइड में और हम डायरेक्ट बात करते हैं हमारे फुल स्क्रीन टेम्पर्ड की। तो यहाँ पे वाइप मिल जाता है इसको क्लीन करने के लिए, और फुल स्क्रीन टेम्पर्ड यहाँ पे 6D वाला मैंने यहाँ पे मंगवाया है, आप देख सकते हो ये देखने को मिल जाता है। तो एजेस इसके काफी अच्छे क्लीन कट हैं और काफी अच्छे से यहाँ पे ये स्टिक हो जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा दूंगा कि आपको किस तरीके से लगाना है। बाहर मत जाना यार दुकानदारों के पास, क्योंकि उस सब लूट रहे हैं आजकल, उन लोगों को भी पता है हम लोग ऑनलाइन मंगवा लेते हो सस्ते दाम में। तो वो बाहर जाके उन लोग से लगवाओगे तो करीबन 50-100 रुपए भी बहुत लोग ले लेते हैं। खुद से लगा लेना, मैंने भी खुद से लगा रहा हूँ बहुत टाइम से, बहुत ही इजी है। सिंपली वाइप लो और यहाँ पे ऐसे लेके पहले क्लीन कर लो, इजीली है, एक ही राउंड में आपको क्लीन हो जाएगा। सिंपली इस तरीके से क्लीन करना है। अब हर चीज आपको पैकेट के साथ ही मिल जाती है, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं आएगी। इस तरीके से क्लीन कर लीजिए और आप यहाँ पे ये क्लीन हो गया है। और इस बार दूसरी वाइप निकालिए जो कि है ड्राई वाइप, और ड्राई से भी यहाँ पे क्लीन कर लीजिए। तो यहाँ पे क्लीन कर लेते हैं इसको वाइप से तुरंत, और यहाँ पे ये भी क्लीन हो जाएगा। तो क्लीन होने के बाद हम सिंपली सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा आप कि अपना कवर पहले हटा ले, उसके बाद ही लगाइएगा। तो कवर हटा लेता हूं मैं, उस कवर लगा के भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। बहुत सारे लोगों को दिक्कत रहती है कि फुल स्क्रीन में टेम्पर लगाने के बाद कवर लगता है कि नहीं, तो मैं कवर भी आपको लगा के दिखा दूंगा। मैंने पहले इसलिए हटा दिया है ताकि अच्छी तरीके से लग जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे आपको सिंपली इस तरीके से इसको निकालना है और ये यहाँ से सिंपली बाहर निकल जाएगा। अब आपको यहाँ पे इसको देख के अलाइंस करना है, आप यहाँ पे लाइट ऑन कर लो और आपका जो नॉच है, नॉच के साथ देख के आप इजिली अलाइन कर लेना इसको, देख के बिल्कुल आप रखिएगा नॉच के साथ। और यहाँ पे मैं लाइट ऑन कर देता हूँ और देख लेते हैं कि किस अच्छी तरीके से यहाँ पे ये लग जाता है। आप देख सकते हैं ये इजिली लग गया है और विदाउट एनी प्रॉब्लम यहाँ पे इजिली लग जाता है। मेरा कैमरा एंगल थोड़ा सही नहीं था तो मुझे इधर उधर से देख के लगाना पड़ा। तो आप देख पाएंगे अगर आपका कुछ बबल्स बाय चांस रह जाता है तो आप जैसे इसको यूज करेंगे, यूज करते करते चला जाता है। बहुत से लोग नहीं कहते हैं, नहीं जाता है, लेकिन यार चला जाता है जैसे हीट होगा, तो ये इजिली और डेप्थ में आपका बैठता जाएगा। आप ये देख पाएंगे कि पूरा एज टू एज आपका यहाँ पे ये लग जाता है टेम्पर्ड ग्लास बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये चीज आप देख सकते हैं यहाँ पे बबल आपको जो दिख रहे हैं, अगर आप थोड़ा और इजिली सही से लगा पाएंगे तो आप लगा लीजिएगा, क्योंकि मेरे साथ लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कैमरे की वजह से, क्योंकि मेरा कैमरा एंगल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। लगाने के हिसाब से आपको मैं बताऊं तो काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे लग गया है
और आप देख पाएंगे पूरा एज टू एज आपका लगा है, कोई भी स्क्रीन में आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं देखने को मिल रही है। ये चीज काफी अच्छी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। तो आपको मैं कहूंगा यार खुद ही एक दो बार लगाओ, आपको पूरा अंदाजा हो जाएगा कैसे लगाना है और काफी अच्छे से यहाँ पे आपका वर्क भी करेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे कवर यूज कर रहा हूँ जो कि ओरिजिनल कवर मी के Redmi Note 6 के प्रो के साथ आपको देखने को मिलता है। और इजीली यहाँ पे आप कोई भी कवर अपना लगा सकते हैं। मैं आने वाले टाइम में कुछ कवर्स का भी रिव्यू करूँगा, तो यही फुल स्क्रीन डिस्प्ले वाली ये टेम्पर्ड ग्लास लगा होगा आपका, तो आप देख लीजिएगा उन रिव्यूज़ को भी। तो अभी तक उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना कि आपका कोई एयर बबल आता है या एयर जैसे आप बोलते हैं कि लगाने से बैक कवर एयर आ जाती है, टेम्पर उठ जाता है थोड़ा, तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम इसमें फेस नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ये नए डिज़ाइन का है और नए डिज़ाइन में कुछ इम्प्रूवमेंट यहाँ पे कर करके आपको देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे यूज़ हो रहा है और बहुत ही अच्छा यहाँ पे लग भी रहा है। तो मैं लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अमेज़ॉन का, फ्लिपकार्ट का, आपका जहाँ से भी मन हो मंगवाने का आप वहाँ से मंगवा सकते हैं और काफ़ी अच्छे प्राइस में भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के आइकन को दबा दो, क्योंकि Redmi Note 6 Pro की और सारी काफ़ी सारी एसेसरीज़ की वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ, थोड़ा सपोर्ट भी कर देना। मैं मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय, टेक केयर, बाय बाय।